पांच दिन की तीर्थ यात्रा कर दिल्ली लौटे श्रद्धालुओं का आप विधायक ने फूलमाला और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। विधायक ने कहा कि इस बार 67 नहीं 70 सीट लानी है, क्योंकि हमने लोगों के लिए बहुत काम किया है। ये दिल्ली में पहली ऐसी सरकार है जो लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराती है। आपको बता दें कि विधायक महेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के खर्च से अपने इलाके के लोगों को तीर्थ यात्रा कराई, जिसके बाद वापस लौटने पर उनका फूलमालाओं से स्वागत कर रहे हैं और साथ में अपने द्वारा किए गए कामों को भी गिना रहे हैं। दर्शन के लिए गए थे जो हमारे सीएम साहब केजरीवाल जी ने हमें भेजा और हमारे विधायक जी ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वो हमें यहाँ पे छोड़ने भी आए जब हम जा रहे थे और अब हम आए हैं तो हमारा ढोल के साथ उन्होंने स्वागत किया। हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी यही सरकार रहे जो हमें इस तरह से सारी सुविधाएं प्रदान करे। जो हमारे बुजुर्ग नहीं जा पाते उन सबको भेजा, उन्होंने इतनी फैसिलिटीज दी, ट्रेन में सारी सुविधा थी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जब से लागू हुई है दिल्ली में, तो वैष्णो देवी मेरे ख्याल दूसरे से तीसरा ट्रिप अगली बार गया है और उसके बाद अब आज रामेश्वरम भी शाम को जाएंगे। इसके बाद हर महीने में 6 ट्रिप तीर्थ यात्रा के होंगे। तो ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनको छोड़ने भी मैं आया था वैष्णो देवी जगह, तो ट्रेन में भी मैं बैठा गया था। हमने देखी सारी सुविधाएं, अब इनको लेने भी जो वापसी में आए तो इनके स्वागत के साथ हम इनको लेने भी आए। तो मैं तो नहीं कहता क्योंकि मैं गया ही नहीं क्या क्या सुविधा मिलती है, लेकिन तीर्थयात्री जो गया था वो बताता है कि बहुत सारी सुविधा। क्या मानते हैं, 67 या 70? देखो 70 का 70 है, अच्छी बात है, 70 की 70 होनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए हमने वो किया है जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। तीर्थ यात्रा, उसके बाद बिजली का बिल, पानी की बिल व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था, उसके बाद हॉस्पिटल में व्यवस्था। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख तो तय हो गई, लेकिन वोटरों में अपने छाप बनाए रखने में सरकार भी पीछे नहीं है। फिर चाहे सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगवाने की बात हो, सरकार कोई भी ऐसा काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो वोटरों के बीच अपना दबदबा कायम न रख सके।